आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सदी के सबसे बड़े टीडीएम मैच में, जहां पे आमने सामने होंगे एक तरफ सीसी क्लैन के बंदे और दूसरी तरफ अल नूर यानी कि नूर मस्जिद के पास रहने वाली लोगों की टीम। ये बहुत ही घमासान मुकाबला आपस में, जहां पे सीसी वाली टीम बहुत ही बढ़िया खेलते हुए और जो दूसरी टीम है अल नूर वाली टीम काफ़ी बुरी तरह पिटते हुए आधे के मार्जिन से चल रहे हैं। 1/4 सीसी टाइटन को मारा यहाँ पे कैप्टन जिलेल ने, बहुत ही अच्छा स्प्रे कैप्टन जिलेल का। कैप्टन जिलेल पे चलते हैं जिन्होंने अब तक 2 किल किए हुए हैं, उनके साथ दैट रूट गाय जिनके 2 किल और 10/6 ये मुकाबला इस वक्त 11 हो गए सीसी के। सीसी के जो महारथी हैं सभी के सभी एक से एक खिलाड़ी, जहाँ पे सीसी टाइटन, सीसी यमराज, सीसी इनसेन, माफ़ कीजिएगा चौथे प्लेयर सीसी पांडा मेरे ख्याल से CW इरफान की आईडी से इस वक्त खेलते हुए। ये देखिए 12/8 अब भी सीसी क्लैन वाले आगे। मोहम्मद सोहेल पे चलते हैं, मोहम्मद शेख मोहम्मद, इनका भी गेम काफ़ी बेहतर रहा। और ये मुकाबला जो है दोस्तों ये देखने लायक इसलिए है कि आपसी ठसन जो होती है, आपसी दुश्मनी जो होती है, उसमें ये मैच टिकाया गया है, जहाँ पे अज़र यानी कि सीसी यमराज ने क्लेम किया था कि उसके पहचान के लोग जो उसके कज़िन भी लगते हैं, जैसे दैट रूट गए उनके सगे भाई और मोहम्मद जो है उनके कज़िन लगते हैं, ये बेहतरीन खिलाड़ी है, ऐसा क्लेम किया था यमराज ने, जिसके तहत ये मैच यहाँ पे शुरू हुई। अब तक तो सीसी क्लैन की पकड़ यहाँ पे बनी हुई है 17/11, जहाँ पे 17 किल सीसी क्लैन ने किए, यहाँ पे 11 किल सामने वाली टीम ने। अच्छा खासा मुकाबला, लेकिन सीसी की यहाँ पे पकड़ अच्छी बनी हुई और नेट स्पेशली सीसी यमराज, इनका नेट जो है ये सटीक पड़ता है और मौके पे पड़ता है, इन्हें अच्छा खासा एसिस्ट दिया यहाँ पे, मारे जा चुके। लेकिन हम चलते हैं टाइटन पर, 8 किल दोस्तों सीसी टाइटन ने किए हुए 8 किल और उनके साथ CW इरफान, जो TDM में खासियत रखते हैं, TDM में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। 8-8 किल बनाकर सीसी टाइटन के यहाँ पे हो चुके 9 किल, 10वां हो भी जाता, डैमेज दिया इन्होंने। ये देखिए यहाँ पे 10वां किल इन्हें मिला, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं सीसी क्लैन के इस वक्त 24 और सामने वाली टीम के सिर्फ 14। सामने वाली टीम को कोई ना कोई रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी यहाँ से बनानी होगी दोस्तों, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप सीसी स्क्वाड जो चिता गेम की एक बेहतरीन स्क्वाड मानी जाती है उसके खिलाफ अगर आप खेल रहे हैं, तो आपको ये मानकर चलना है कि आप बहुत बुरी तरह पिटोगे। इसीलिए कोई ना कोई रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी आपको यहाँ से बनानी है, दिमाग लगाना है। बहुत ही बढ़िया स्प्रे यहाँ पे CW इरफान बहुत बढ़िया खेलते हैं, मतलब इनके खेल की जितनी तारीफें की जाए उतनी कम, मैं इनका पर्सनल फैन, बहुत अच्छा खेलते हैं। 34 और 16, यार ये बहुत ही ज़्यादा का मार्जिन है, आप इतनी बुरी तरह मार नहीं खा सकते। आपको अगर अपनी इज्जत बचानी है, कम से कम इस 16 को आप 20 लेकर चले जाए, 35/16 यहाँ पर चल रहे हो आप और अब भी पिट रहे हो 36 और 17, ये भी बहुत बड़ा मार्जिन। आप किसी तरह कोशिश करें कि आप 20 लेकर चले जाए, मेरे ख्याल से कर भी पाएंगे। ये देखिए सीसी इनसेन को यहाँ पे मारा कैप्टन जिलेल ने, कैप्टन जिलेल काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं सामने वाली स्क्वाड से, कैप्टन जिलेल और साथ में दैट रूट गाय जो कि 5 किल कर नाबाद, ये अभी सहारा लेकर खेल रहे हैं, इन्हें कोई नहीं, आप नहीं बच सकते, मैं आपको बता रहा हूँ सीसी स्क्वाड से आपका बचना बेहद नामुमकिन। 39/ आखिरी किल बाकी, आखिरी किल यमराज ने लैंड किया, ख़त्म हो गया यहाँ से गेम। और मैं बता रहा था कि सीसी स्क्वाड से भिड़ना ये खाने का काम नहीं होता दोस्तों, यहाँ से मैच खत्म हुआ। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा सीसी क्लैन का, जहाँ पे सीसी टाइटन 17, CW इरफान 12, यमराज 6 और इनसेन 5 किल। यमराज का एसिस्ट आप देखें तो 7, CW इरफान का 7 और सीसी टाइटन का 5। KD बनाई इन्होंने 2.9, 4, 0.9 और 1, जहाँ पे सामने वाली टीम ने सिर्फ 19 किल, जिसकी KD 1 से भी ऊपर नहीं किसी भी प्लेयर की, फिर भी बढ़िया परफॉर्मेंस। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले स्ट्रीम पर।